इसे कैसे क्रॉस करूंगा? कहां पंगा ले लिया मैंने, अभी तो बहुत नीचे जाना है, आधा ही आया हूं। अब तो आसमान भी दिखना बंद हो गया पीछे, खतरनाक था भाई। कान पकड़ता हूँ, आगे से शॉर्टकट नहीं लेने वाला मैं। बहुत बुरा हाल हो गया, थकान के मारे बुरा हाल हो गया, सांस फूल रही है। शॉर्टकट एक्चुअल में लॉन्ग कट बन गया, किले जैसे दिखने वाले चट्टाने हैं। मर गया मैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लेह लद्दाख बाय वॉक ट्रिप का डे 10 और 10 बजे भी टेंट के अंदर बैठा हूँ। वजह है ये, सुबह से स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा रुकने का वेट करते हैं और फिर आज का सफर शुरू करेंगे। बने रहना साथ में, मुलाकात जल्दी होगी मेरे दोस्तों। सो अमेजिंग यार। ओके जी, तो 12 बजने को हैं और अभी तक हमने स्टार्ट किया नहीं है यहाँ से। अब हम स्टार्ट करेंगे और मौसम, जो बर्फ़ गिर रही थी वो बंद हो चुकी है, लेकिन आसमान में अभी भी बहुत बादल हैं। आज 8 किलोमीटर का ही करके सरचू का जो बैरियर है, जो बॉर्डर है जम्मू और हिमाचल का, वहाँ तक जाने का प्लान है बस। आगे का आगे जा कर के देखेंगे, क्योंकि 24 किलोमीटर तक बीच में रहने की कोई भी जगह नहीं है। तो 8 किलोमीटर वॉक करके रुक जाएंगे, दोपहर वैसे ही हो चुकी है, 3-4 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे और उस तरफ बादल हैं भी ज़्यादा। सो दोरजी कैंप साइट से निकले और करीब 500 मीटर चले होंगे, ये माइलस्टोन यहाँ पर आ गया है। सरचू यहाँ से 7 किलोमीटर है और लेह 258 किलोमीटर। स्नो रुक गई है, अब तो बस चलते जाना है, पैक करके चलना पड़ रहा है खुद को पूरा। यहाँ का मौसम ऐसा है, बहुत हार्श कंडीशन है, इसलिए आपको फुल पैक रखना होगा खुद को। यहाँ पहुँच करके जहाँ लिखा है सरचू 6 किलोमीटर, ये लास्ट कैंप साइट है जो सामने दिख रही है, और इसके पीछे पीछे आपको पिछले 2 किलोमीटर के स्पैन में बहुत सारी कैंप साइट मिल जाएंगी और वैली का ब्यूटीफुल व्यू कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 300-400 रुपए वाला जो डॉर्मेटरी सिस्टम है वैसे भी मिल जाएगा, ढाबा है खाना खाने के लिए, और ऑफकोर्स टेंट का ऑप्शन तो है ही है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है सरचू में रुकने के लिए, आप चाहे जहाँ रुके आपकी चॉइस है। ओके जी, 1 किलोमीटर और आगे आगे हैं सरचू, यहाँ से करीब 5-5.5 के आसपास होगा। ये सरप नदी है, SARAP, टीवी लगता है, टी साइलेंट है। और ये किनारे पे जो आप कट आउट देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हवा और पानी ने बनाए, ये थ्रू आउट आपको दिखते रहेंगे इस नदी के किनारे पे। तो जिसमें मिट्टी है और रेत है ना, वो ऐसे हार्ड हो जाते हैं और जो रेत है वो फिसल के नीचे आ जाती है। ये सरप रिवर है और ये वाइल्ड एडवेंचर का टेंट कैंप साइट है। यहाँ पर व्यू तो बहुत ही अच्छे हैं, चलना है बस 5-5.5 किलोमीटर और। सड़क एकदम सीधी है, अभी तक डाउन था, ये थोड़ा सा क्लाइंब आया है, लेकिन किलिंग सराय के बाद सरचू का जो बैरियर है वहाँ तक पूरे प्लेन या डाउनहिल जैसा है, इससे अलग कुछ नहीं। और ये व्यू तो कहना ही क्या, सरप नदी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और ये स्ट्रक्चर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। एक और माइलस्टोन है सामने, लिखा है जंगजिंगवार 51 और सरचू 3। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत देखो, ऐसे ऐसे कलरफुल से पहाड़ है और बीच में से जाता हुआ ये रास्ता है, कहाँ मिलेगी ऐसी जगह देखने को।
और पैदल वाले तो ज्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे। ग्रीन बोर्ड पे लिखा है तेंगलेंगला 142 और ले 253, तो मतलब तेंगलेंगला से ले की दूरी होनी चाहिए 111 किलोमीटर। और एक और माइलस्टोन हमने अभी क्रॉस किया है, तो अब 2 किलोमीटर रह गया सरचू बस। सामने बॉर्डर दिख रहा है मेरे को, लिखा है थैंक्स विजिट अगेन। सो वी हैव रीच्ड एट सरचू। इसके बाद ये टर्न करके यहाँ से JNK की बाउंड्री शुरू हो जाती है, तो आज हम हिमाचल से निकल के JNK में रुकने वाले हैं। ये पूरा एरिया JNK के हिस्से में आता है, तो सामने जो बोर्ड यहाँ से JNK स्टार्ट हो जाता है। आज यहीं रुकना है हम लोगों को। ले जाना, ले बैठो बैठो, अभी बैग है ना, बैठ नहीं बस सकेंगे। बैग है, बैग है, बैग। हाँ अभी रात को यहीं रुकेंगे, कल जाएंगे आगे, कल जाएंगे बिस्की नाला। तो सर्च में ठहरने के लिए खाली कैंप साइट्स नहीं है, जहाँ पे आप 3,000-3,500 रुपया, 1,200 रुपया, 2,000 रुपया दोगे। ये सस्ते ऑप्शन भी हैं, बस आपको बॉर्डर तक आ जाना है। यहाँ पे आपको बेड 200 रुपीज में, सेपरेट रूम 600-800 रुपीज में मिल जाता है। Next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है ले लद्दाख बाई वॉक ट्रिप का 11वां दिन। सुबह के 5:18 का टाइम है। रोशनी देखो कितनी हो गई है यहाँ, तो यहाँ दिन भी देर से ढलता है और सुबह भी जल्दी हो जाती है, तो दिन लंबे है और रात छोटी। कुछ इम्पॉसिबल सा काम करने जा रहा हूँ, अगले 6 घंटे में मेरे को 24 किलोमीटर का वॉक कम्प्लीट करना है गाटा लूप्स तक सरचू से। सरचू में हूँ इस वक्त। कल 8 किलोमीटर किया था हमने, दोरजे कैंप से स्टार्ट करके बॉर्डर तक पहुंचे थे। आज बॉर्डर से स्टार्ट करके गाटा लूप के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच, वो भी अगले 6 घंटे। सफर हो गया शुरू, आपको अच्छे अच्छे नजारे दिखाता हुआ चलूंगा। लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, देखो अभी तक कुछ लोग तो सो के भी नहीं उठे होंगे। उठेंगे 7 बजे आराम से, फिर निकलेंगे। पर ये सफेद सफेद बर्फ है जो रात को जम गई है इस पहाड़ के ऊपर। कल नहीं थी, कल एकदम ब्राउन थी ये सारी पहाड़ियाँ, आज ये सफेद हो गई हर तरफ ऐसा ही है। तो सरचू के बॉर्डर से लेके यहाँ 1 किलोमीटर आगे तक सब कैंप साइट्स और होटल और ढाबाज है। नाइट स्टे मिल जाता है 250-200 रुपए की रेंज में। जियो का टावर लगा है सामने, तो यहाँ जियो का सिग्नल बहुत अच्छा आता है। तो 1 किलोमीटर आ गया हूँ मैं चल के। अब इस माउंटेन पीक को देखो, कल रात यहाँ स्नो गिरी है, उसमें ढक गई है पूरी, और सूरज निकलने पे है तो उसकी रोशनी में क्या शाइन कर रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और ये रास्ता है जहाँ से मैं चल करके जा रहा हूँ, करीब 1 किलोमीटर और आ गया हूँ। व्यू बहुत अच्छे हैं और शानदार दिख रहा है सब। इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम क्योंकि होकर के हटा है, इसलिए माइलस्टोन दिखेगा नहीं एक भी। 1 किलोमीटर और आ गया हूँ, सांस फूलने लगी है, बढ़ते हैं। BRO का एक बोर्ड नजर आया, लिखा है क्रिएट कनेक्ट एंड केयर, और इसके सामने एक और माइलस्टोन है। ये कहता है कि ले है 259 और उपसी 199। सूरज महाराज इस पहाड़ के पीछे से निकलेंगे आज। तो जी ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये मेरी पोजीशन है, और इतना लंबा आगे से रूट ले करके यहाँ कनेक्ट होने से अच्छा है मैं अब सामने वाला शॉर्टकट लेने वाला हूँ। इस नदी के बीच में से निकल के सामने में उस रोड पे कनेक्ट हो जाऊंगा, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस कम होता है। ऐसे शॉर्टकट पैदल वाला ही ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता है, है ना। चलिए चलते हैं, मजा आने वाला है। ये तो नदी है पूरी, इसे कैसे क्रॉस करूंगा। करें मेरे ख्याल वो जगह ठीक रहेगी, वहां ये मल्टीपल उसमें ब्रेक हो रही है, तो वो छोटी धारा है उसे मैं पार कर सकता हूँ। मुझे वहां जाना है, वहां से नीचे उतरना है, फिर चल के देखते हैं क्या है। मैं सोचता हूँ कि अब पैदल जाऊं, वो जगह पे जो ढलान है ना वो छोटी है, वहां मैं आसानी से नीचे उतर सकूंगा इस ढलान के कंपैरिजन में। ये बहुत बड़ी ढलान है, तो 1/2 किलोमीटर आगे जाके वहां से नीचे उतरता हूँ। मैं वहां था उस जगह पे इस टीले के ऊपर, अब ये पूरा चल के मैं यहाँ पहुंचा। यहाँ की हाइट भी बहुत ज्यादा है यार, और पानी इतना चौड़ा है कि मैं छलांग मार के इसे पार ही नहीं कर सकता। कैसे करेंगे, सोच में पड़ा हूँ मैं। क्या रोड से जाना पड़ेगा हैं? ऐसा लगता है ये एक बार नदी में उतर जाऊँ। शूज गिले होंगे हद से हद, और तो कुछ खास नहीं, फिर गिले शूज पहन के वॉक करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा, अब फंसने वाला काम हो गया। सोच के देखते हैं क्या करना है। तो नीचे उतर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है।
नीचे जाके मिलते हैं। ओके हाय, कहाँ पंगा ले लिया मैंने, अभी तो बहुत नीचे जाना है, आधा ही आया हूँ, आधे से भी कम, वहाँ से यहाँ तक बस नीचे और जाना है। ध्यान से मुझे बैठ बैठ के घिसटना पड़ रहा है, यहाँ तो बहुत स्लो हो गई मेरी स्पीड। बाप रे, 8 तो यहीं बजा दिए मैंने, और नीचे जाना है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये तो, जितना आगे जाता हूँ उतना ही और गहरा हो जाता है, अब तो आसमान भी दिखना बंद हो गया पीछे, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा नीचे पहुँच गया हूँ, वो बड़ा टीला वहाँ से उतर के यहाँ पहुँचा, खतरनाक था भाई, कान पकड़ता हूँ आगे से शॉर्टकट नहीं लेने वाला मैं, बहुत बुरा हाल हो गया, एनर्जी सारी चली गई, वॉक क्या करूँगा, 24 किलोमीटर 6 घंटे में करना था, ऑलरेडी 8 बज गए हैं, 3 घंटे तो यहीं निकल गए। ओह माय गॉड, खतरनाक हो गया, आगे देखते हैं चल के। ये तो और भी खतरनाक है, उधर से नीचे उतर के देखता हूँ, ये स्लिपरी बहुत है, इन पथरीले रास्तों से होता हुआ ऊपर से यहाँ तक आ रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास दो ये वॉकिंग स्टिक नहीं होती ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है यहाँ पर क्लाइंब और डाउन करना ऐसे। लो जी, फाइनली बॉटम तक पहुँच गया, अब नदी नज़दीक है, बस जूते निकालूंगा, नदी को क्रॉस करूंगा और फिर ऐसे ही क्लाइंब करके दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। पत्थर भी ठंडे, पानी भी ठंडा है, पूरा हाल है भाई, सुन हो जाने पाओ मेरे यहाँ तक, पत्थर बड़े चुभ रहे हैं, सुन कर दिया पाँव मेरे, इतनी जल्दी, ये तो कह रहा है यार, इधर अब तो कपड़े भी गीले होंगे लगता है, अरे बाप रे, यहाँ गहरा हो गया, बुरा हाल कर दिया इसने तो। ठंडे हो गए पाँव पूरी तरह से, बर्फीला पानी, अब बस शूज और सॉक्स पहन के फटाफट बढ़ता हूँ आगे की तरफ, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आज टाइम की शॉर्टेज है, आज ही टाइम वेस्ट किया मैंने भी, हद है यार। तो मैं जो सोच रहा था 8 बज गए, 8 बज रहे हैं, 8 ही बजे, 7:15 का टाइम हुआ है, 2 घंटे हो गए निकले हुए, 4 किलोमीटर मैं कर चुका था इसके उधर तक, अब देखना है कि इधर तक कितना हो गया। नदी बहुत अच्छी दिख रही है, पानी देखो कैसे चमक रहा है, इस जगह से मैं क्रॉस करके आया, ये वाली जगह बड़ी डीप है और इस डीप की वजह से मेरे कपड़े घुटनों तक जो थे ये गिले हो चुके हैं। उतरा हूँ मैं यहाँ से, ये जगह आप देखो, यहाँ से मैं उतर के यहाँ आया, फिर ऐसे चल के उसके उधर से यहाँ मैंने जूते चेंज किए और यहाँ पहुँचा, अब मैं यहाँ से चढ़ाई चढ़ के ना इस रास्ते से आगे निकल जाऊँगा, बस गला गया है सूख, स्ट्रेस बहुत आया है लेग्स पे, थकान भी हो गई है, चलो थोड़ा बहुत एडवेंचर के लिए ये सब करना बनता है ना, वरना आपको मजा कैसे आएगा। दूर से दिखने वाले सरप नदी के किनारे बने इन स्ट्रक्चर को ये पहली बार होगा कि आपको इतनी नजदीक से इन्हें देखने का मौका मिलेगा, सड़क से गुजरते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन यहाँ से देखना वो भी इतने नजदीक से, ये अलग ही अनुभव लगता है, कितने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यार, हवा पानी ने काट कर कैसे इनको ये शेप दे दी, बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छे लगते है।
यहाँ से ऊपर जाने के रास्ता 1, 2, 3 ये भी है और एक आगे से है। तो मुझे क्योंकि दूरी बढ़ानी है, सड़क पे दूर जाकर के खुद को कनेक्ट करना है, तो मैं लॉन्ग रूट वाला रास्ता लूंगा ताकि दूर तक का डिस्टेंस बाय रोड वाला कवर कर सकूं। वो जो सफेद बर्फ से ढका पहाड़ है वहां से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने शॉर्टकट लिया था, ये इस जगह से चल के यू नीचे उतरा, फिर यहाँ से क्लाइंब करके अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। रोड नजर आनी शुरू हो गई है पर करीब आधा किलोमीटर लग रही है अभी भी। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, सूरज उस तरफ निकला है और नजारों का कहना क्या। ये सरप रिवर अच्छी लगती है देखने में, खूबसूरत सी है, पानी कम है। थकान के मारे बुरा हाल हो गया, सांस फूल रही है, चढ़ाइया की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शॉर्टकट एक्चुअल में लॉन्ग कट बन गया। ये स्ट्रक्चर तो कमाल के लग रहे हैं, ये देख रहे हो हवा पानी ने काट के कैसे बना दिया, जैसे कोई फोर्ट है और फोर्ट के जो गुंबद या पिलर्स बनाए जाते हैं वैसा दिख रहा है। लो जी पहुँच गए, ये ब्लैक सी जो लाइन है ये सड़क है, किले जैसे दिखने वाले चट्टाने हैं। मर गया मैं। स्टीप क्लाइंब था यार, थका दिया। अब मैं यहाँ से निकल के सड़क पे कनेक्ट हो जाऊंगा, पता नहीं कितना लंबा शॉर्टकट लगा। तो जी रोड पे हो गया हूँ कनेक्ट, उस शॉर्टकट से मैंने 8 किलोमीटर कम कर लिया था, तो ये अच्छी खबर है। टेढ़े पड़े इस माइलस्टोन के हिसाब से मैंने अभी तक 13 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी 8:15 हुए हैं। वेरी गुड, ये शॉर्टकट बहुत बढ़िया रहा। सो 13 किलोमीटर चलने के बाद अब भूख लगाई है, सुबह 5 बजे निकला, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाऊंगा। 3 रोटी अचार के साथ पैक करवाई थी, वही खा के आगे बढ़ते हैं, ज्यादा भूख लगेगी तो एनर्जी बार है वो खा लेंगे। ये है वो रोटी और अचार जो कल रात पैक कराया था। ड्राई ड्राई लग रहा है इसलिए हिचकिया आ गई है, पानी पी के खाऊंगा। अचार ज्यादा लाना चाहिए था।